दोस्तों आज मैं आपसे शेयर करूंगी कि आप अपने काले हो रहे होंठों को कैसे पिंक बना सकते हैं और साथ ही अगर आपके होंठों के ऊपर पपड़ी जम गई है तो उसे कैसे दूर हटा सकते हैं। दोस्तों होंठों का फटना, हमारे होंठों के ऊपर काली परत जम जाना, हमारे होंठ काले हो जाना, ये एक आम समस्या है। तो आज जो मेरी मेडी को शेयर करूंगी उससे आपके काले होंठ पिंक हो जाएंगे, आपके होंठों का फटना बंद हो जाएगा और साथ ही आपके होंठ नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके होंठों का नेचुरल कलर वापस आएगा, आपके होंठ पिंक और गुलाबी हो जाएंगे। चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले एक नारियल तेल को ले लेंगे। हम इस आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर को ऐड करेंगे। अब इसमें थोड़ी सी ग्लिसरीन को ऐड कीजिए दोस्तों। अब हम इसमें लास्ट में 8 से 10 मिनट नींबू का रस को ऐड करेंगे। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। दोस्तों नारियल तेल के ढेर सारे फायदे हैं, इसका इस्तेमाल खाने से लेकर बालों में और हमारे स्किन में भी किया जाता है। ये हमारे होंठों को सॉफ्ट बनाता है, हमारे होंठों को फटने से बचाता है और साथ ही हमारे होंठों को नरम और मुलायम रखता है। नारियल तेल के इस्तेमाल से हमारी स्किन ड्राई नहीं होती है, हमारी स्किन सॉफ्ट बनी रहती है। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब हमारा रेमेडी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस रेमेडी को आपको रोज इस तरह से अपने होंठों पर लगाना है और थोड़े देर तक मसाज करना है। दोस्तों हल्दी बहुत ही गुणकारी होता है, इसमें एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुण पाए जाते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। ये जो हमारे होंठों पर काली परत जम जाती है उसे दूर हटाता है, हमारे होंठों को पिंक बनाता है और साथ ही हमारे होंठों के स्किन को लाइटन करता है। और ग्लिसरीन से दोस्तों हमारे होंठ हमेशा ही नर्म और सॉफ्ट बने रहते हैं, हमारे होंठों का फटना बंद हो जाता है और साथ ही दोस्तों ग्लिसरीन के इस्तेमाल से हमारे होंठों का नेचुरल कलर वापस आता है, हमारे होंठ पहले की तरह पिंक हो जाते हैं। दोस्तों नींबू भी बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, इसमें विटामिन सी होता है जो एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारे होंठों के कालेपन को दूर करता है, हमारे होंठों को लाइटन करता है और साथ ही हमारे होंठों के नेचुरल कलर को वापस लाता है। इस तरह से मसाज करेंगे तो आपके होंठों के ऊपर जो काली परत जम गई है वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगे। इस तरह से 2 से 3 मिनट तक मसाज कीजिए। 2 से 3 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे आधे से 1 घंटे तक अपने होंठों पर लगे रहने दीजिए और अगर आप रात को इसे लगाते हैं तो आप पूरी रात इसे अपने होंठों पर लगे रहने दीजिए। अगर आप इसी तरह से लगातार 10 से 15 दिनों तक इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपके होंठों का फटना बंद हो जाएगा, आपके होंठों पर जो काली परत जम गई है वो परत दूर हो जाएगी और साथ ही आपके होंठ नरम, मुलायम और सॉफ्ट हो जाएंगे और आपके होंठों के जो नेचुरल कलर है वो धीरे धीरे वापस आने लगेंगे और आपका होंठ पहले की तरह पिंक दिखने लगेगा। आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करें, ये बहुत ही अच्छी और नेचुरल रेमेडी है और इसलिए इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। आप इसका इस्तेमाल करें और मेरे साथ इसका फीडबैक जरूर शेयर करें और मेरे चैनल रेडिएंट उच्चिका को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं आपसे फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।